तो बहुत सारे प्रदेशों के तक आपने देख लिए, लेकिन अब बिहार तक की बारी है, और इसीलिए बिहार पर चर्चा के लिए अंजना कश्यप और मैं श्वेता सिंह आपके साथ बिहार तक आज से हम लॉन्च कर रहे हैं। और अंजना, इस बार हम लोग सिर्फ न्यूज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बिहार के जो शब्द, आपका फेवरेट बिहारी शब्द क्या है? खुजली भर रहा है नहीं, बट छठ, दिवाली और इसके इर्द गिर्द जो, मतलब वो खुशबू है, वो आप, यू फील इट, आप उसको बोल नहीं सकते हैं। ऐसे शब्द हैं जिसको आप जीते हैं, आपका हिस्सा है, आपके अंदर का आत्मविश्वास है। और अंजना, जैसे एक्सप्लेन करते करते अंग्रेजी में एक बार शुरू कर दिया उन्होंने, दिक्कत हमारी यही रहती है, हम लोगों को हमेशा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि गलत हिंदी बोल रहे हैं तो इसलिए अंग्रेजी बोल लो। एक वक्त ऐसा था जब मैं नई नई मीडिया में आई थी और बहुत दिनों तक सिर्फ अंग्रेजी में, तो मुझे एक्चुअली कुछ शब्दों के लिंक नहीं पता थे कि पुलिस आ रहा है या पुलिस आ रही है, प्रशासन करता है, अब श्योरिटी रहता है कि नहीं, सच्ची से अब 80-90% वर्ड्स में कई जगहों पर, अच्छा ये शब्द लड़का है या लड़की है कैसे पता चलेगा, मुश्किल होती है। आप कुछ सेंटेंसेस में उसको यूज करते हैं, ये सब आपके दिमाग के पीछे जल्दी जल्दी हो रहा होता है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी बोलना है, पर फिर बैठ जाता है मामला। अच्छा, हमारे जो आउटपुट में लोग होते हैं ना, जो हमारे लिए लिखते हैं वो कई बार हेडलाइंस में, तो उनको अगर नहीं श्योरिटी रहता और बिहार से रहते हैं तो वो दोनों चीज लिख देते हैं, हवा चल रहा था थी, तो आप सोचते रहिए उसकी बात क्या। हालांकि ये तो हवा, पुलिस, ये सब तो धीरे धीरे सीख गए, लेकिन जो 90% शब्द जो नहीं सीखे हैं उनका भी हम जिक्र यहां पर करेंगे, जिक्र चाहे जिक्र जो भी आप बोल लीजिए, लेकिन भाषा की अशुद्धि पर मत जाइएगा। यहां पर भारत, जब हम बिहार तक की बात करते हैं, जुबान पर भारत तक चढ़ गया असल में, जब बिहार तक की बात करते हैं तो यहां बिहारी गर्व की भी बात होगी। पहला गणराज्य बिहार, पहला जो सम्राट है, द फर्स्ट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, सम्राट अशोक बिहार से, तो ऐसा नहीं है कि गर्व करने वाली चीजें नहीं होंगी, और लिट्टी चोखा भी होगा, लेकिन हमको लिट्टी चोखा खास पसंद नहीं है। आपको कुछ खास ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि आप फर्स्ट की बात कर रही थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी और वो गौरव जो बिहार की धरती पर है, वो मतलब अद्वितीय है, बेमिसाल है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। किस साल बिहार छोड़ा आपने? मुझे लगता है 93 में मैंने बिहार छोड़ दिया था। मतलब अब देखिए, ये एक बड़ी दुविधा है मेरे जैसे लोगों के लिए, इसको आज मैं बोल ही देती हूँ, और वो दुविधा ये है कि रांची में मेरी पढ़ाई लिखाई, हालांकि मेरे पिता और माँ दोनों ही बिहार के थे, आरा और बिहार शरीफ के, लेकिन रांची में पढ़ाई हुई, और वो बन गया झारखंड, वो झारखंड बन गया। अब लोग तो अनडिवाइडेड बिहार का ही हिस्सा मानते हैं। वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी, मेरी जितनी कोई मुझे झारखंडी कहता तो मैं कहती हूँ वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी, सो आई स्टिक टू बिलोंगिंग टू बिहार एंड बीइंग फ्रॉम बिहार, तो मैं बिहारी ही हूँ। और भाषा थोड़ी अलग हो जाता है, वो तो झारखंड का भी सेम ही, हाँ वो सेम है, लेकिन राज्य तो अलग हो गया, तो वो मजा जो बिहारी बोलने में है ना, कि हाँ मैं बिहार से हूँ, और सामने वाले को ओ यू फ्रॉम बिहार, लगता नहीं, क्यों नहीं लगता है? हाँ, मैंने सिंह ना भी काट के पॉकेट में रख लिया है, इसलिए आपको नहीं लग रहा है। नहीं तो एक्चुअली किसको देख के लगता है कि बिहार से हैं? अब इसीलिए बिहार तक पर हम ऐसे ऐसे लोगों से भी मुलाकात कराएंगे जिनको देखकर आप कहेंगे लगता नहीं है, फिर आपको पता चलेगा सारे बिहारी ऐसे ही दिखते हैं, जिन लोगों को आप सोचते थे वो तो कहीं और के रहने वाले थे, तो ये सारी चीजें भी यहां पर होंगी। तो 93 में आपने स्कूलिंग करके या कॉलेज करके? स्कूलिंग करने के बाद, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आ गई, मैं लोरेटो रांची में थी, और उसके बाद मैं, बहुत अच्छा स्कूल है, उसके बाद से फिर मैं दिल्ली आ गई, और दिल्ली में, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है श्वेता, कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, मतलब एक बार बिहारी ने मार ली एंट्री, फिर ऐसा दबदबा बनता है कि आसपास वाले पूछते हैं, और हर जगह फिर ये कहते रहते हैं ये बिहारी जान, और बिहारी ऐसे घूमता है। अभी अभी आज तक देख लीजिए, कोई भी चैनल, जर्नलिज्म, वही मैंने कहा, जर्नलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, जितने भी दिमागी कसरत वाले जितने भी प्रोफेशंस हैं, दबदबा है भाई साहब। अच्छा, मैंने तो छोड़ा 1997 या 98, अब तो मतलब याद नहीं रहता उस समय, 97-98, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पूरा वहीं से हुआ ना, ग्रेजुएशन पटना वुमेन्स कॉलेज, तो इस वजह से। अच्छा, कॉलेजेस स्कूल्स की भी हम कोशिश करेंगे, तो आप लोग में से अगर लोग हों बिहार के रहने वाले, आजकल तो मोबाइल पे बन जाते हैं, वीडियोस बना बना कर भेजिए, हम जरा शेयर करेंगे यहाँ पर आपके उन सभी वीडियोस को, खासतौर पर छठ की श्वेता, क्योंकि आप करती हैं, तो जितने लोग करें, इंटरेस्टिंग विजुअल्स होते हैं, क्योंकि वो सुनकर और वो देखकर और वो ठेकुआ खाकर, मतलब आपको अमृत मिल जाता है सच में। ठेकुआ, खजूरी, और बिहार की सबसे फेमस मिठाई होती है खाजा, अनरसा, ये चीजें यहाँ पर नहीं, मनेर के लड्डू, ओहो ओहो, फूफा जी थे मनेर के,
आते थे लड्डू लेकर आते थे। मेरे पिताजी आरा के थे और जैसे हम लोग हमेशा बात होती थी गाड़ी में हम लोग घूमने जाते थे, जैसे आरा जोन में वो एंटर किए उसके बाद अचानक हम लोग से भी भोजपुरी बोलने लगते थे। आप तो फ्लुएंट भोजपुरी बोलते हैं। बहुत एकदम नीमन भोजपुरी बोलने एकदम हम कता मगही बोले छे। हाँ तो मथी भी मगही भी बोल लेते हैं, मैथिल भी बोल लेते हैं, सब बोल लेते हैं। थोड़ा मगही हुआ तनी तनी बोले छे। तनी तनी बोले छे। भोजपुरी थोड़ा सा ज्यादा हाँ वही वाला लठमार। अच्छा भोजपुरी भी फिर आरा का भोजपुरी और पटना का भोजपुरी डिफरेंट हो जाएगा। आपको मगही का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। मगही और बजी का हाँ, ब्रज और मगही मगधी उसका थोड़ा सा मैथिली जब आसान हो जाता है तो ये दोनों शब्द बनते हैं। तो लेकिन फिर पटना में पली बड़ी तो इस वजह से वो तीनों मिल गए, भोजपुरी मगही बजका। तो अब हमको पता ही नहीं है जो हम बोलते हैं वो कौन सी भाषा है, एक नई भाषा का निर्माण हो जाता है वहां पे। तो लेकिन बिहार तक देखिए वहां के पर्सनैलिटीज जो हैं, चाहे मैथमेटिशियंस रहे हो या फिर आज की तारीख में जो लोग वहां से हैं, इसके अलावा वहां की पॉलिटिक्स बहुत ही रोचक, जो न्यू जनरेशन पॉलिटिक्स भी बहुत वहां की दिलचस्प है। और मुझे तो लगता है कि कई जो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूं, लेकिन कई जो लोग केंद्र में मोदी की सरकार को चुनौती दे रहे हैं उससे ज्यादा काबिल युवा मुझे जमीन से जुड़े हुए यूपी बिहार जैसे राज्यों में दिखाई देते हैं। जमीन से जुड़े हुए जिनको एनसीसी का फुल फॉर्म पता होता है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। नहीं नहीं ये तो ये बिहार की मिट्टी में आप इससे नहीं बच सकते हैं। ये बिहार की मिट्टी में आप पान की दुकान पे खड़ा हो जाइए, चाय की दुकान पे खड़े हो जाइए, आप हलवाई की दुकान पे खड़े हो जाइए, जो पॉलिटिक्स की रग पर उनका हाथ होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे रिक्शे वाले से बोल देते हैं, उसमें मेरी एक दोस्त ने एक रिक्शे वाले से कहा कि जाना है ये सचिवालय, सचिवालय चलोगे? वो बोलता है कि सचिवालय हम नहीं जानते यहाँ पर। बोला अरे सचिवालय चलो ना, यहीं पे तो आगे से जाके दाएं मुड़ के पूरा रास्ता जब बता दिया तो बोलता है सेक्रेटेरिएट। तो हिंदी बोलिए ना, अंग्रेजी क्या बोल रही थी तब से। तो ऐसी कहानियां आपको लगातार मिलेंगी। तो यहाँ पर सिर्फ खबरें नहीं होंगी, ये बाकी तक से थोड़ा सा अलग, सिर्फ खबरें नहीं, यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि बिहारी अस्मिता के कॉस्ट पे नहीं होगा ये, कि बिहार का गर्व तो उसमें रहेगा। इसीलिए मेरा टैगलाइन है गर्व से कहो हम बिहारी हैं, और यही टैगलाइन होना भी चाहिए, गर्व से कहो हम बिहारी। चलिए तो आप बिहार तक एक बार देखिए चैनल कैसा है, सब्सक्राइब करिए, पसंद आया आपको जरूर, और वीडियोस जब देखेंगे तो उन्हें लाइक भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन बिहार तक क्या है वो अंजना और मेरे जरिए आपको ये हमने बताया।